नमस्कार। आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं एक और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि है ब्रेड रोल। जब भी घर में ब्रेड रोल बनते हैं तो सब लोग बहुत चाव से खाते हैं, बट जो लोग वेट लूज कर रहे होते हैं वो सिर्फ देखते ही रहते हैं कि हम खाएं या ना खाएं। तो आज मैं इसीलिए हेल्दी एक ब्रेड रोल बनाने जा रही हूँ, जो कि वेट घटाने वाले भी बड़े आराम से खा सकते हैं और नॉर्मल लोग तो खा ही सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए सामान लगेगा शिमला मिर्च, गाजर और एक उबला हुआ आधा आलू ले लेना, ज्यादा नहीं लेना, आधा बहुत होता है। एक टमाटर, एक प्याज और पनीर। इन सबको हम या तो मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या फिर छोटा छोटा काट लेंगे। अब जैसे ये है, इसे तो हम छोटा छोटा काट लेंगे, टोमेटोज को काट लेंगे, बाकी सबको हम ग्रेट कर सकते हैं मोटे ग्रेटर से। तो चलिए हम रेडी करते हैं सामान को। ये देखिए, मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है। मैंने थोड़ा सा धनिया भी काट के ले लिया है, प्याज टमाटर तो है ही, बाकी सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। इन्हें हम डालते हैं एक बाउल में। हमें टमाटर के बीच वाला हिस्सा निकाल देना है, क्योंकि ये ब्रेड को बहुत गीला कर देगा। सिर्फ ड्राई वाला ऊपर वाला हिस्सा ही डालना है। और ये जो स्टफिंग है, ये आप चीले में भी डाल सकते हो, ब्रेड के सैंडविच में भी डाल सकते हो, और आप ब्रेड रोल में भी डाल सकते हो। आप बहुत सारी चीजों में डाल सकती है। बस एक ही चीज है कि जब आप ज्यादा स्टफिंग बनाएं तो उसमें नमक ना डालें। मैं तो वैसे भी नमक नहीं डालती हूँ, बट जो नॉर्मल लोग हैं वो तो नमक डालते हैं ना, तो आप लोग नमक ना डाल के रखिए, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ देगी तो फिर आपके काम की नहीं रहेगी, फिर तो आपको उसके कटलेट ही बनाने पड़ेंगे। चलिए, मैंने सारा कुछ डाल दिया। टोमेटोज देखो, मैंने बिना गूदे के ही काटे हैं और बहुत बारीक काटने हैं, तो ब्रेड फटने का डर रहता है। चलिए, स्टफिंग तो बहुत ज्यादा रेडी हो गई है। सीजनिंग के लिए हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हो। इसमें नमक होता है, इसलिए नमक बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। और बिल्कुल थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा से कलर अच्छा आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। चलिए, अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। इसमें पनीर है और उबला हुआ आलू है, तो बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी, ऐसे बिखरेगा नहीं ये सब कुछ, इसीलिए मैंने आलू लिया था। और आलू हेल्दी भी होता है अगर हम बॉईल करके खाते हैं, तो इतना स्टार्च तो हमें चाहिए ही होता है ना। ये देखिए, मेरी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने काउंटर को अच्छी तरह से साफ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड को बेलना है। ये है मेरी ब्रेड, ये देखो मेरी ये 3 दिन पुरानी ब्रेड है, लेकिन फिर भी अभी भी वैसी ही है, फ्रेश की फ्रेश। क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब भी हम ब्रेड निकालते हैं पैकेट में से, हम नीचे के ब्रेड पीस निकाल लें और जो ये सबसे ऊपर का ब्रेड पीस होता है उसको वापस उसी के ऊपर लगा दें, ताकि जैसे इसी के ऊपर वापस लगा देंगे हम, तो हमारे नीचे के पीस जो होते हैं वो सूखते बिल्कुल नहीं है। तो हमें जब भी नीचे के पीस निकालने हैं तो ऊपर वाला पीस ऐसे बंद करके वापस रख देना है, आपकी ब्रेड कभी भी नहीं सूखेगी। चलिए, मेरी अभी भी 2 पीस बाकी हैं, इसी में मैं ये वाला पीस भी लगा देती हूँ और इसको वापस फ्रिज में रख देंगे। चलिए, ये ब्रेड लेते हैं, इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं दबा दबा के। हमने इसके किनारे बिल्कुल नहीं काटे हैं, हम उसे भी यूज करेंगे। ये देखिए, फ्लैट हो गई है एकदम से अच्छी तरह से। अब इसमें हम कुछ भी स्टफिंग भरेंगे, तो इसके जो पोर्स हैं वो तो बंद हो गए, तो ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं। मैंने इसके ऊपर पीनट बटर लगा लिया है, क्योंकि हम इस पे अमूल बटर या कोई भी बटर नहीं यूज करेंगे अगर हमें हेल्दी बनाना है तो। और अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरी स्टफिंग है इससे मैं
रोल बना लूंगी थोड़ा सा सिलिंड्रिकल टाइप का, ताकि मैं इसमें भर सकूं। हम यहां रखेंगे, और इसे रोल करेंगे। इस किनारे पे आपने पीनट बटर थोड़ा ज्यादा लगाना है, ताकि ये बाद में चिपक जाए। बिल्कुल टाइट टाइट करके हमने इसे रोल कर देना है। ये देखिए, ये चिपक गया है, खुलेगा भी नहीं। दोनों रोल रेडी हो गए हैं। आप जितने भी रोल बनाना चाहो बना सकते हो। और देखो थोड़ी थोड़ी चीजों से कितनी स्टफिंग बन गई है। आपके इसके 8-10 रोल आराम से बनेंगे। यहाँ मेरा पैन गरम हो गया, डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। वैसे तो ज्यादा नहीं बनाने हैं, दो ही बनाने हैं, फिर भी ग्रीस कर लेते हैं इसे। और इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे अलट पलट करके। ये देखिए हमारे बड़े अच्छी तरह तरीके से ये सिक गए हैं। ये देखो चारों तरफ से आप इसको सेक सकते हो। बाहर से तो ये बहुत क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगे। खाने में भी बहुत मजा आ जाएगा। इसे आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स तो कीजिएगा ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा। चलिए अब इसे निकाल देते हैं। और यहां मैंने सेम स्टफिंग से एक सैंडविच भी रेडी किया है, इसे भी हम बना लेते हैं। अच्छे से प्रेस करेंगे। चलिए अपने पैन के पास, तो पैन में हम डाल देते हैं सैंडविच, और अच्छे से सेक लेते हैं इसे भी। मेरे सैंडविच भी रेडी हो गए हैं। गैस को कर देते हैं बंद। अब हम चलते हैं चटनी की तरफ। ये हरा धनिया, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च, इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और मैं डालूंगी थोड़े से कड़ी पत्ते, जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी, नमक मैं फिर से नहीं डालूंगी, जिसको डालना है वो अपने अलग से डाल सकते हैं, आप डालना चाहो तो आप डालिए। ये देखिए बहुत अच्छी चटनी बन गई है। इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस और मिक्स कर देंगे, और हम इसे डालेंगे बाउल में। यहां पर भी मैं आपको एक टिप देती हूं, अगर आप एक चम्मच इसमें दही मिला देंगे हंग कर्ड, जिसमें पानी ना हो, तो उसे आप अच्छी तरह से फेंट लो। और इसमें आप ये चटनी जितनी मिलानी है उतनी मिला दीजिए, सारी में मत मिलाइए। आप इस चटनी को खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मालूम है रेस्टोरेंट में तो ये मिलती ही है, हमें समझ नहीं आता ये क्या चीज है। ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दो चटनियां भी रेडी हैं, और दो टाइप के नाश्ते भी रेडी हैं। सैंडविच भी खा सकते हो और रोल भी खा सकते हो। तो बताइए आपको कौन सा नाश्ता पसंद आया। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।